सरकारी तेल कंपनी ने सोमवार के को पेट्रोल डीजल के दाम जारी किए हैं और घरेलू तेल कंपनीज ने सप्ताह के पहले दिन ही पेट्रोल और डीजल दोनों के ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये 31 पैसे और डीजल 86 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी कि रविवार को पेट्रोल के रेट 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव 29 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे और घरेलू बाजार में पिछले एक हफ्ता यानी कि 1 जून से 6 जून तक तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम 6 जून को ही बढ़े थे। तो कोरोना के संकट काल में महंगाई भी जो है चरम पर है, जिससे आम जन का जीवन मुहाल हो गया है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते में तीसरी बार पेट्रोल के दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों का जीवन जो है काफी ज्यादा परेशान भरा हो गया है। तो दूसरे दिन भी पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है, 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल और लगातार जिस हिसाब से महंगाई आसमान छू रही है और विपक्ष लगातार हमलावर है और कोरोना के संकट काल में जहां लोगों का आर्थिक जीवन जो है कहीं ना कहीं डगमगा गया है, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई जिस हिसाब से आसमान छू रही है, ये दोहरी मार आम लोगों के ऊपर पड़ रही है।